कानपुर से है, जहां राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने आज विकलांग उत्पीड़न के विरोध में पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। घाटमपुर के विकलांग नफीस अहमद, थाना कोहना के सुनील झा, थाना बिदनू के प्रेम कुमारी तिवारी, थाना नौबस्ता के शैलेश सिंह, थाना बाबूपुरवा के धीरेन कुमार केसरवानी को उत्पीड़न से मुक्त करवाने की मांग की है। अधिकारियों से न्याय दिलाने का भरोसा मिला है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेन कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश पर विकलांग जनों को उत्पीड़न से मुक्त कराने के लिए पुलिस अधीक्षक अपराध को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। ज्ञापन देने आए थे किसको? आज पुलिस कमिश्नर कानपुर को विकलांग उत्पीड़न के मामलों को लेकर के और दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के मामलों को लेकर हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। कमिश्नर साहब ने बहुत विस्तार से एक एक बिंदु पे चर्चा की है और कार्रवाई का भरोसा दिया है। उम्मीद है कि लोगों को न्याय मिलेगा और दिव्यांगजन अधिनियम 2016 कानपुर में लागू। किन पीड़ितों के लिए आप आए थे, क्या मामला? शैलेश सिंह है, इनकी बहन विवाहित है, वो इनका उत्पीड़न कर रही है। सुनील झा हैं, नफीस अहमद हैं और धीरेन केसरवानी हैं, इन लोगों के मामले को लेकर हम लोग आए थे और सभी मामलों में कार्रवाई का भरोसा मिला है।